संगीत में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक मां कालका देवी मंदिर नायक साहब की बजरिया नया बाजार लश्कर ग्वालियर पर किया जा रहा है, जहां कथावाचक आचार्य श्री विनयकांत त्रिपाठी जी वृंदावन वालों द्वारा श्री कृष्ण लीला का मधुर वर्णन किया गया, जिसे देखकर लोग भाव विभोर हो गए। कहा पृथ्वी कौन चुरा ले गया, नेत्र बंद करके देखा पर पृथ्वी को हिरण्याक्ष चुरा ले गया। तब तो परीक्षित जी ने एक प्रश्न और कर दिया, गुरुदेव ये बताओ ये हिरण्याक्ष था कौन? कहा कश्यप ऋषि के पुत्र थे हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप। देखिए कश्यप ऋषि की दो पत्नियां दिति और अदिति, दिति से हुए दैत्य और अदिति से हुए देवता। एक बार क्या हुआ, कश्यप ऋषि संध्या के समय भगवान शंकर का तप कर रहे थे, दिति के अंदर काम भावना व्याप्त हुई, कश्यप ऋषि के पास आई, कहा महाराज आप तप करने लगे हो मेरे अंदर काम भावना व्याप्त हो रही है। कश्यप ऋषि बोले देवी ये संध्या का समय है, संध्या के समय कभी भी व्यक्ति को सोना नहीं चाहिए, कभी भी संध्या के समय काम भावना व्याप्त नहीं होना चाहिए, संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए। कई लोगों का नियम बोले महाराज जी हम तो 5:30 बजे खा लेते हैं, पर 5:30 बजे भोजन नहीं करना चाहिए, 5:30 बजे कभी सोना नहीं चाहिए। संध्या का वेला, संध्या वेला होती है जिसको गौधूली वेला कहते हैं, वो 5 बजे से सूर्यास्त तक का जो समय होता है 7-7:30 बजे तक, इस समय के बीच में जो भी हम कार्य करते हैं क्यों नहीं सोना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए। एक बात और बताओ माताएं बहनों, संध्या के समय कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, संध्या के पहले लगाइए, आप 5 बजे से पहले कर लीजिए, क्योंकि संध्या का समय वही समय होता है कि जिस समय हमारे घर में दो वेलाएं होती हैं, एक होता है ब्रह्म मुहूर्त, एक होती है ब्रह्म वेला, एक होती है संध्या वेला। ब्रह्म वेला जो होती है वो 3:20 से लेके 6:20 तक होती है, 3:20 से 6:20 के बीच में जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं उस पूजा पाठ का पूर्ण लाभ मिलता है। और दूसरी होती है संध्या वेला, संध्या वेला गौधूली बोला उसे बोलते हैं जो शाम को 5 बजे से सूर्यास्त तक का जो समय होता है 7:30 का समय होता है, इस बीच में जो भी कर्म करते हैं, जो भी हम लोग धार्मिक कार्य करते हैं उसका भी हमको पूर्ण फल प्राप्त होता है, क्योंकि दोनों वेलाएं भगवान की वेलाएं। आज तो मैं विस्तार से नहीं बताऊंगा, एक आध दिन की कथा में मैं जरूर बताऊंगा कि ब्रह्म मुहूर्त क्यों बनाया गया, ये संध्या वेला क्यों बनाई गई, ये उषा काल क्यों बनाया गया, उषा काल भी कहते हैं उसी समय को, तो 3:20 से 6:20 तक का समय होता है। आज